सो गाइस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे जो हमारा फ्री करेक्टर इवेंट है हमारे गेम के अंदर कब आने वाला है। तो फाइनली गाइस वो टाइम आ चुका है जब गाइस आपको फ्री करेक्टर का इवेंट देखने में मिलने वाला है। आज की वीडियो के अंदर गाइस हम आपको दिखाने वाले पूरा फ्री करेक्टर इवेंट एंड गाइस यहाँ पे आप लोग कैसे कम्प्लीट करना है इस इवेंट को उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। सो गाइस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। एंड गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले यहाँ पे गेम के अंदर आने वाले FFWS इवेंट के बारे में। पूरा जो FFWS इवेंट है उसको हम लोग आपको समझा देंगे A to Z, जितनी भी चीजें FFWS इवेंट की रिमोट वगैरह कैसे देखने में मिलेगा वो सारी चीजें गाइस आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाले। सो गाइस वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखोगे गाइस आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस आप सभी लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल के ऊपर एक बार कर लो चैनल को सब्सक्राइब एंड कर लो बेल आइकन को ऑल पे सेट, फिर कर देना वीडियो को लाइक एंड कर देना दोस्तों में शेयर। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हर एक चीज यहाँ पे मतलब कि एक एक करके समझाएंगे तो प्लीज पेशेंस रख के वीडियो को देखना आराम से। एंड बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई यहाँ पे जो M187 गन के स्किन है जो कि फेथ ऑफ होप इवेंट वाली सो वो वाली जो मतलब कि स्किन है वो कब तक देखने मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सबर रखना पड़ेगा। अगर आपको भी जाना है मैं उसके बारे में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का यहाँ पे इंटरफेस होने वाला है जो कि गाइस आपको गेम के अंदर आज से अभी से मतलब 2 घंटा बाद, ठीक है, मतलब 10 बजे आसपास आपको देखने में मिल जाएगा एंड ये ओपन हो जाएगा। सो गाइस अब इधर क्या कुछ करना है मैं आपको बता देते। सो पहले गाइस अवेकनिंग लिख के आता है जिधर पे गाइस आप लोग क्लिक करोगे तो गाइस आपको डेली के कुछ मिशन रहेंगे। और गाइस यहां पे जो अवेकनिंग मतलब कि एनडीओ आने वाला गेम के अंदर गाइस 2% हो चुका है एंड गाइस ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब गाइस यहां पे आपको सभी लोगों को मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हो इन क्लासिक रैंक मोड कंप्लीट 3 मैचेस इन एनी मैप। ठीक है, तो आपको जाके गेम खेलना है, 3 मैचेस खेलना पड़ेगा क्लासिक हो या रैंक। उसके बाद गाइस यहां पे आपको पहले क्या करना है, 2 एनिमी को मारना होगा AK-47 से क्लासिक मोड के अंदर एंड उसके बाद गाइस यहां पे लिखा है इन्फ्लिक्ट 1000 पॉइंट इन एनी मैप। ठीक है, तो गाइस आपको 1000 पॉइंट मतलब कि करना है डैमेज वाले। सो गाइस ऐसे करके गाइस आपको गेम करना पड़ेगा एंड गाइस ऐसे कर करके ना भाई आप लोग को यहाँ पे देखने में मिलेगा। और गाइस यहाँ पे FFWS 2021 की कॉपी यहाँ पे मतलब कब देखने में मिल रहा है इन लोगों को ट्रॉफी जो है जो कि लकी प्लांट ट्री होता है ना। सो गाइस इनके सर्वर के ऊपर वो अवेलेबल है, आई डोंट नो गाइस हमारे सर्वर के ऊपर अवेलेबल होगा कि नहीं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे कम्प्लीट करना पड़ेगा, डेली के मिशंस रहेंगे एंड यार जैसे बोला गाइस जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा तो गाइस आपको यहाँ पे मतलब कि ये जो प्रोग्रेस आप लोग देख पा रहे हो गाइस जैसे पूरा हो जाता है तो गाइस आप लोग को यहाँ पे जो एनडीओ करेक्टर है वो देखने मिल जाएगा हमारे गेम के अंदर एंड उसी तरीके से गाइस आपको इस इवेंट को कंप्लीट करना होगा पूरा एंड यहाँ पे गाइस आपको ये टोकन भी देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस आपको ऐसा देखने मिलेगा। उसके साथ भी यहाँ पे हम नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं जो कि लाइव वाला इवेंट है। सो गाइस इधर बेसिकली क्या होने वाला है कि भाई यहाँ पे पिक एंड विन इवेंट भी रहेगा आपको देखने मिल जाएगा एंड गाइस यहाँ पे आप लोग को जो टूर्नामेंट होने वाला है जो कि गाइस यहाँ पे फ्री फायर का टूर्नामेंट अभी 23 या 24 से स्टार्ट है। सो गाइस उस टूर्नामेंट की यहाँ पे डायरेक्ट आपको लाइव देखने मिलेगा यूट्यूब से जो कि रिडायरेक्टेड होगा, तो कि गाइस यहाँ पे आपको यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से भी टूर्नामेंट देख पाओगे। ठीक है, सो गाइस अब नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं जो कि पिक एंड विन इवेंट है। एंड गाइस पिक एंड विन इवेंट जो कि आप लोगों को पता है काफी पुराना गेम के अंदर इवेंट आ रखा है, गाइस काफी टाइम से इवेंट हमारे गेम के अंदर चलता आ रहा है। सो बेसिकली गाइस अभी यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, 3 दिन बाद अवेलेबल होगा, 23 को गाइस ये इवेंट अवेलेबल होगा। मैं बताता हूँ आप लोग क्यों 23 को अवेलेबल होगा, क्योंकि इस 23 को यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट होने वाला जो कि टूर्नामेंट होने वाला गाइस, वो टूर्नामेंट आपको गेम के अंदर देखने मिलेगा। देन गाइस आप लोग को क्या करना है, टूर्नामेंट आप लोग को देखना पड़ेगा, उसके बाद गाइस टूर्नामेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे आप लोग उसको फिल करना है, देन आपको कुछ रिवॉर्ड्स आपको देखने में मिलने वाले हैं। और गाइस इतनी देर के आपको यहाँ पे 23 से इवेंट स्टार्ट होने वाला है। चेक इन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस चेक इन इवेंट के अंदर क्या होने वाला है कि आपको डेली का गाइस चेक इन देखने में मिलेगा, मतलब हर 24 आवर्स के बाद आपको गाइस यहाँ पे चेक इन देखने में मिलेगा। एक स्पिन का ऑप्शन आएगा, गाइस आपको यहाँ से स्पिन कर लेना पड़ेगा, उसके बाद इनमें से कोई रिवॉर्ड देखने मिलेगा। और गाइस आपको धीरे धीरे करके आपको ये ग्रेनेड की स्किन भी निकल जाएगी जो कि काफी ओपी एंड काफी ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। सो आपको ये भी गाइस यहाँ से अवेलेबल हो जाने वाली, काफी इजी सा इवेंट आपको कंप्लीट कर लोगे इजी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है चेक इन अवेलेबल डेली। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे चेक इन यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आप लोग को डेली आके चेक करना पड़ेगा। एंड उसके साथ गाइस आगे वाले इवेंट पे चलते हैं जो कि गाइस रेडीम इवेंट है। सो गाइस रेडीम इवेंट के ऊपर क्या होने वाला है, गाइस आप लोग यहाँ पे जो टोकन होने वाले जो कि आप लोग देख सकते हो इसका नाम है, और यहाँ पे देख सकते मतलब नाम क्या है भाई मेरे इसको नाम नहीं पड़ा, तो गाइस यहाँ पे नाम अभी देख लेते हैं इसका। सो गाइस यहाँ पे जो टोकन होने वाले हैं ना, तो गाइस आप लोग क्या करना है, टोकन को कलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे गाइस अवेलेबल है मॉन्स्टर ट्रक के स्किन, साथ में गाइस यहाँ पे अवतार वगैरह अवेलेबल है, छोटे मोटे रिवॉर्ड्स अवेलेबल है। सो गाइस यहाँ पे देखो टोकन जो है आपको कैसे देखने को मिलेगा हम आपको बता देते हैं। सो गाइस टोकन लेने के लिए आपको क्या करना है कि भैया अवेकनिंग वाले के ऊपर आ जाना पड़ेगा एंड इधर पे गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो टोकन FFWS येलो पास टोकन। सो गाइस आपको ये वाला टोकन यहाँ से कलेक्ट करना है, डेली गाइस 24 आवर्स के बाद ही रिफ्रेश होगा, तो गाइस यहाँ पे आपको टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा।
फर्स्ट टोकन को गाइस यहाँ पे आके यूज करना पड़ेगा। अभी आप लोग कहोगे कि भाई यहाँ पे टोकन तो काफी कम मिल रहे हैं, तो टोकन अभी आपको ज्यादा मिलेंगे वो हम आपको बता देते हैं गाइस आपको टोकन कैसे ज्यादा देखने मिलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे मैप के सामने क्लियरली मेंशन हो रखा है कि भाई 23 से गाइस आपको आफ्टर मैच ड्रॉप देखने मिलेगा ये वाला जो टोकन है ना, 23 से गाइस आपको गेम के अंदर देखने मिलने वाला है, ठीक है। सो बी रेडी एंड आप लोग आफ्टर मैच ड्रॉप मतलब जब आप लोग गेम खेलोगे तो गाइस उसी टाइम पे आपको टोकन देखने मिल जाएगा। पिक एंड विन इवेंट के अंदर भी गाइस ये वाला टोकन अवेलेबल हो जाएगा 23 से, तो काफी ईजी हो जाएगा, ज्यादा टोकन तो आप लोग कलेक्ट कर पाओगे यहाँ से। और गाइस यहाँ पे आप नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट इवेंट कौन सा आएगा भाई, नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे इसी इवेंट का है जो कि अवेकनेंट नाम से है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मतलब कि अनलॉक है पूरा, गाइस यहाँ पे खुला नहीं है, ठीक है, लॉक लगा हुआ है। तो गाइस इसका सॉल्यूशन क्या है, तो गाइस इसका सॉल्यूशन बस यही है कि भाई यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे ना तो गाइस यहाँ पे लिखा आएगा अनलॉक व्हेन एंड्रयू अवेकनेंट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि गाइस यहाँ पे जब हमारा एंड्रयू करेक्टर जो यहाँ पे वाला मिशन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो गाइस जब ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाता है ना तो गाइस आप लोग को वो वाला जो स्टोर सेक्शन है वो ऑलरेडी मतलब कि अपने से गाइस वहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मतलब बाद ही में होगा ओपन एंड, गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग ओपन कर लोगे तो गाइस यहाँ से आप लोग को जो मतलब कि बंडल्स वगैरह जो कि फीमेल वगैरह के ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग यहाँ से क्लेम कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड गाइस यहाँ पे वेपन वाला वाउचर वगैरह भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे गाइस जैसे वो मतलब कि अवेकनिंग एंड्यू जो है ना उसका मिशन कम्प्लीट कर लोगे तो गाइस आप लोग का ये भी हो जाएगा, इजीली आप लोग यहाँ पे अपने टोकन को यूज़ करके पूरा बंडल्स वगैरह एक्सचेंज कर पाओगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट जो कि आता है, तो गाइस इस नेक्स्ट इवेंट के अंदर आप लोग को आफ्टर पार्टी इवेंट देखने मिल जाता है, जिधर पे गाइस आप लोग को 29 को गेम के अंदर लॉगिन करना है, ठीक है, 29 को गाइस गेम के अंदर आना लॉगिन करना। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को बिल्कुल फ्री में बैकपैक देखने मिलने वाला है, 15 टोकन देखने मिलेगा, बैकपैक काफी ज्यादा ओपी, तो गाइस इसको जाके जरूर से ले लेना 29 को, ठीक है, 29 को आ जाना जरूर से। और शोकेस इवेंट मैंने आपको बता रखा है, सो गाइस यहाँ पे कंप्लीट इवेंट हमने आपको समझा दिया वो जो कि फ्री वर्ल्ड सीरीज का इंटरफेस इवेंट है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि गाइस यहाँ पे आप देख पाओगे तो भाई यहाँ पे आपको इमोट देखने मिलने वाला, इमोट आपको कैसे देखने मिलेगा उसके बारे में आपको बताते हैं। सो इमोट लेने के लिए गाइस आपको क्या करना है कि भाई आपको आना पड़ेगा 29 में को, ठीक है, 29 में डेट जो है ना, 29 में ये हमारे इवेंट का पीक डे होने वाला है, इसी पे ये डेट को याद रखो। सो गाइस यहाँ पे इस दिन को आने के बाद आपको गेम के अंदर 100 मतलब कि 100 मिनट तक गेम खेलना पड़ेगा, ध्यान दो 100 मिनट गेम खेलना है, 29 में को गेम खेलना पड़ेगा। उसके बदले में गाइस आपको ये जो काफी ओपी साइड काफी अच्छा से इमोट है वो आपको बिल्कुल फ्री में देखने मिलेगा। तो गाइस आज के दिन खेलोगे तो आपको आज के दिन नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 29 डे से जो इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा इवेंट समझा दिया। अब सो गाइस अभी हम लोग बात करने वाले फ्री करेक्टर इवेंट के बारे में। सो गाइस फ्री करेक्टर जो इवेंट है गाइस आपको गेम के अंदर देखने में मिल सकता है काफी जल्दी, एंड 23 में से भी देखते हैं कि उसको मिलने का चांसेस है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो आप लोग टायर थर्ड देख पा रहे हैं जो कि गाइस ब्लू वाला वगैरह का टायर्ड है, तो मतलब टायर है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मतलब उसके नीचे वाला टायर फर्स्ट टायर थर्ड है, तो गाइस उसके नीचे हमारे इंडियन सर्वर का जो रिवॉर्ड है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ऑलमोस्ट गाइस मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आपको फ्री करेक्टर का इवेंट अवेलेबल हो जाएगा गेम के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड सीरीज इवेंट के चलते हुए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग 80-70% मान के चलो मेरी तरफ से गाइस आपको मिलने वाला इवेंट। एंड कुछ करना नहीं, जस्ट आपको 29 में को लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद 30 में को लॉगिन करना है, ठीक है। तो गाइस 30 में को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपको करेक्टर चाहिए, उसके बाद गाइस इसको क्लेम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गाइस सारे गोल्ड वाले करेक्टर्स अवेलेबल है, यहाँ पे डायमंड वाले करेक्टर यहाँ पे मेरे को दिखते नहीं रहे। बाय द वे गाइस यहाँ पे आपको डीजे आलोक एंड क्रोनो करेक्टर साथ में स्काइलर करेक्टर और व्यूकांग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो गाइस देखने में आता है कि नहीं इवेंट, बाकी मेरे तरफ से आप लोग कन्फर्म समझ सकते हो, बट गेरेना फ्री फायर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे बाकी जो भी इवेंट आएगा हम आपको बता देंगे। तो कर लेना चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड कर लेना बेल आइकन को और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।